पुरी जिला को अपराध मुक्त करने दिगरे एसपी डॉक्टर कंवर विशाल सिंह नेतृत्व में पुरी जिला पुलिस प्रशासन जाग्रत थिबा परिलक्षित होउछि। प्रतिदिन एसपी डॉक्टर सिंह निजे श्रीमंदिर और पुरी सहर समेत जिलार आईन श्रृंखला दिगरे विचार विमर्श करुछन्ति। दादाबटी आदाय करने अभियोग में बासेली साई थाना पक्षर गोखा साई 35 वर्षीय सर्वेश्वर बेहरा और 22 वर्षीय प्रलय बेहरा को गिरफ्त कर मशाणी चंडी निकट पर मार्केट में दादाबटी मागुवा संपर्क में अभियोग होता। मशाणी चंडी निकट में एक समवाय समितर स्टाफ को धमकाइबा और आक्रमण करने अभियोग बासेली साई थाना पक्ष मार्कंडेश्वर साई हरिजन बस्तीर 22 वर्षीय कैलाश उर्फ लिटु नायक को गिरफ्त कर कौनसी अपराध घटाइबा निमंते एक कारे पुरी आसी बलियापंडास्थ कृष्णा सीसाइड थिबा जने संदिग्ध 42 वर्षीय चंदन जोशी को बलियापंडा थाना पक्ष गिरफ्त कर अभियुक्त निकट में एक नंबर नथिबा ह्युंडाई सोनाटा कार चारोटी मोबाइल फोन और गोटे आधार कार्ड समेत गोटे देशी पिस्तल और 4 राउंड जीवंत गुली जबत कर सिम कार्ड देवा नाम में आधार कार्ड नहीं पबजी और रमी खेल में बेआईन भाव व्यवहार करुवा दुई जन ठक को गिरफ्त कर कुंभारपड़ा थाना उभय अभियुक्त पेंठकटा अंचल होता बेले से जड़े 16 वर्ष नाबालक खाकीमठ नएसर श्रीमती रण सिंह अभियोग आधार में ठक दुई को गिरफ्त कर कुंभारपड़ा थाना पक्ष चढ़ाऊ कर खोर्धा गुरुजंग अंचल 28 वर्षीय निशा बेपारी समीर कुमार प्रधान को गिरफ्त कर अभियुक्त निकट गोटे नाली रंगर हीरो ग्लैमर बाइक समेत 7.5 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कर सदर थाना पक्ष चढ़ाऊ कर निशा कारबार अभियोग दुई जन युवती को गिरफ्त कर 5.24 ग्राम ओजन ब्राउन सुगार गोटे मोबाइल फोन समेत गोटे हीरो प्लेजर स्कूटर जबत कर जड़े अभियुक्ता नयागढ़ रणपुर थाना अंतर्गत गड़ी कोकिलर 22 वर्षिया होता बेले अन्य जन अभियुक्ता खोर्धा गुरुजंग अंचल 28 वर्षिया युवती पुलिस सूत्र करोना कटका उल्लंघन घटन बुधवार दिन पुरी जिले में 34 दोकान को सिल कर डेलांग थाना पक्ष 10 कृष्ण प्रसाद थाना 5 बलंगा और बासेली साई थाना पक्ष 4 लेखाए सत्यवादी और समुद्रकूल थाना पक्ष 2 लेखाए गोप थाना पक्षर 3 एवं काकटपुर और पुरी सदर थाना पक्ष गोटे लेखाए दोकान सिल कर कटका उल्लंघन मामलें दोकानी मान 8,500 टंका जोरीमाना आदाय करा सामाजिक दूरत रक्षा उल्लंघन मामलें 61 जन 9,000 टंका जोरीमाना आदाय मास्क पिंधि नथिबा कारण जिलार 260 जन अमानिया 31,300 टंका जोरीमाना आदाय।